नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। सिटी स्कैनर के साथ मैं हूँ आसिया। तो लगातार झारखंड में अब सीटों पर मंथन चल रहा है कि कैसे उसे जीता जाए, क्योंकि अब सीटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। दूसरा खेमा भी लगभग प्रत्याशियों की सूची को तय कर चुका है। अब इन सब के बीच चुनावी जंग कितनी दिलचस्प होगी, इस पर लगातार हमारी नजर रहती है और हर सीट को हम स्कैन करते हैं कि उस सीट में जीत हार के लिए कौन से समीकरण काम करते हैं और जो कैंडिडेट है वो किस तरह दूसरे कैंडिडेट से भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं जो इस सीट पर किसी को भी जीत दिलाते हैं, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हजारीबाग लोकसभा की सीट बरकट्ठा विधानसभा के बारे में। बरकट्ठा जहां की जीत बहुत कुछ इस बार तय करेगी, बहुत कुछ उलट फिर भी इस सीट में देखने को मिलेंगे। अब अमित यादव जो कि निर्दलीय यहां से 2019 में चुनाव जीते थे, अब वो बीजेपी की टिकट से चुनावी दंगल में यहां है। तो क्या यहां यादव बनाम यादव की जंग होगी और कौन कौन से समीकरण इस सीट में काम करते हैं? हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। चर्चा हम शुरू करते हैं। रंजन जी, बरकट्ठा सीट को अगर स्कैन करें तो क्या पाते हैं, क्या फैक्टर है, क्या समीकरण है यहाँ जो किसी को जीत या हार दिलाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र है वो 1977 में अस्तित्व में आया, और अगर यहाँ जो मुकाबले हुए हैं ख़ास करके जो 2000 से 2019 तक जो मुकाबले यहाँ पर जो 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं उसे आप देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट जो है वो देखने को मिला है। मतलब एक तरफ जो है आपको लड़ाई नहीं दिखेगी, यहाँ पर वोट बढ़ते हैं और यही वजह है कि कोई 35-37% वोट ले आकर भी यहाँ से विधायक चुन लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो बरकट्ठा में देखने को मिली हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है, उसने अपने प्रत्याशी जो है घोषित कर दिया है। अमित कुमार यादव जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते थे, इस बार जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दूं कि बीजेपी ने बरकट्ठा में जो पहली बार जीत हासिल की थी वो 1990 में की थी, तब खगेंद्र प्रसाद ने जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। और उसके बाद 20 सालों तक बरकट्ठा पर बीजेपी का दबदबा रहा, और आप देखेंगे कि इस दौरान 1990 के बाद 95 में भी खगेंद्र प्रसाद जीते, 2000 में ज़रूर हारे, लेकिन फिर 2005 और 2009 में भी ये सीट बीजेपी की ही रही। लेकिन पिछले दो चुनाव से बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं जीत सकी है, ये भी एक उतना ही बड़ा सत्य है। पिछली बार तो खुद अमित कुमार यादव ने जो है वो बीजेपी प्रत्याशी जानकी प्रसाद यादव को शिकस्त दे दी थी, और उससे पहले जानकी प्रसाद यादव ने बीजेपी प्रत्याशी अमित कुमार यादव को शिकस्त दी थी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा, लेकिन बात यही है कि अमित कुमार यादव अब तक दो बार विधायक बने हैं। एक बार 2009 में, तब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, और फिर 2019 में तब वो निर्दलीय चुनाव जीते थे। और जो जानकी प्रसाद यादव हैं वो JVM के टिकट पर जो है वो 2014 में विधायक बने थे, लेकिन 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और वो चुनाव हार गए थे। अब इस बार जो है जानकी प्रसाद यादव ने जो है लोकसभा चुनाव के दौरान JMM ज्वाइन कर लिया है, और इस बात की अब संभावना है कि उन्हें जो है बरकट्ठा से JMM चुनाव में उतार सकता है। वैसे एक बात यह है कि पिछली बार जो सीटों का बंटवारा हुआ था उसमें बरकट्ठा सीट जो है वो RJD को गई थी, जो RJD अभी बहुत रूठा हुआ भी है, वो RJD के ही खाते में गई थी। लेकिन अब चूंकि जानकी प्रसाद यादव ने JMM ज्वाइन कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब बरकट्ठा से जो है गठबंधन के तहत RJD को ये सीट मिल सकती है। और पिछली बार RJD का यहाँ प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा था, वो 8वीं पोजीशन के आसपास जो है 7वीं पोजीशन पर वो पहुंच गया था, और सिर्फ जो है 2.5% के आसपास ही उसे वोट आए थे। हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना होगा, जो अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो AIMIM के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद अशरफ अंसारी, वो पिछले दो चुनाव से बेहतर करते आ रहे हैं। 2014 में जितना वोट आया, फिर उन्होंने जो है अपना वोट प्रतिशत 2019
2019 में बढ़ाया है और 2019 में वो AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो क्या यहाँ पर AIMIM कैंडिडेट देगा? एक और चीज़ है कि यहाँ JLKM ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। महेंद्र मंडल जो हैं वो यहाँ JLKM के टिकट पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। अब उनकी कैची किसके वोटों पर चलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव जो है वो बरकट्टा का जो है वो नज़दीकी होगा, क्योंकि इन सब के बीच जब टिकट बंटवारा हुआ है तो खबर ये भी आ गई है कि जो BJP ने जब एक आंदोलन किया था यहाँ रांची में, तब पानी की बौछारों के बीच BJP का झंडा लिए खड़ी थी एक महिला, उनका नाम कुमकुम देवी है, तो वो झंडा थामे हुए BJP की खड़ी महिला अब BJP के विरुद्ध चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला है। और कुमकुम देवी के बारे में ये खबर आ रहा है कि वो बागी कैंडिडेट हो सकती हैं और वो चुनाव लड़ती हैं, तो उसका कितना असर पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, ये तो कैंडिडेट की बात हुई, लेकिन बरकट्ठा सीट के कौन से समीकरण हैं जो काम करते हैं यहाँ, वो फैक्टर हैं? और जब JLKM की बात आपने की है, दोनों अगर दोनों खेमों से देख लें, यादवों की टक्कर होती है उसके बीच में, JLKM के प्रत्याशी अगर उतरते हैं तो फिर ये समीकरण किस तरह बैठेगा और किसको फेवर करेगा? देखिए, यहाँ पर जो है कुर्मी वोटर्स की संख्या भी बहुत अच्छी है, 14-16% के आसपास जो है कुर्मी वोटर्स हैं, और हर चुनाव में अक्सर आपको एक कुर्मी कैंडिडेट जो है वो दिखता है और वो अपने हिस्से का वोट लेता है। पिछली बार जो है JVMP के टिकट पर बटेश्वर प्रसाद मेहता दिख रहे थे, उससे पहले 2014 में चले जाइए तो दिगंबर मेहता थे JMM के टिकट पर, और 2009 में और फिर 2005 में भी दिगंबर मेहता यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि महतो वोटर्स की संख्या अधिक है, और आप दिगंबर मेहता के वोट देखिए तो उन्हें भी अक्सर वोट मिलते रहे हैं, एक बार 19%, फिर 15%, फिर जो है 10%, पिछली बार भी जो है बटेश्वर प्रसाद मेहता जो थे उनको लगभग 16% मत मिला। तो इसका मतलब है कि महतो वोटर्स जो है वो अपने कास्ट को वोट कर रहे हैं और उनको भी वोट मिल रहा है। लेकिन ये है कि जो कुर्मी वोटर्स होते हैं वो बढ़ते भी हैं, उसका एक हिस्सा BJP को भी जाता है, और सब तरफ बढ़ता है लेकिन थोड़ा BJP को मिल जाता है, और ये यहाँ BJP के काम आता है। इसलिए आप देखिएगा कि जो पिछले हम कुछ चुनावों की बात करें, जब हमने कहा कि 1990 में खगेंद्र प्रसाद जीते, फिर वो 95 में भी जीते, 2000 में वो जो है बहुत छोटे मार्जिन से जो है वो हारते हैं, सिर्फ 875 वोट से। और उसके बाद एक दिलचस्प बात यह है कि खगेंद्र प्रसाद ने फिर राजनीति से भी संन्यास ले लिया, और वो जीवन में भी उन्होंने एक तरह से संन्यास ले लिया, और उसके बाद 2005 में चितरंजन यादव जो हैं वो BJP के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव वहाँ पर जीतते हैं, और वो हराते किसे हैं तो दिगंबर मेहता को ही हराते हैं जो निर्दलीय चुनाव उस वक्त लड़ रहे थे। और चितरंजन यादव हैं कौन? चितरंजन यादव हैं अमित कुमार यादव के पिता। एक्चुअली चितरंजन यादव 2009 में भी BJP के कैंडिडेट होते, लेकिन उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद जो है आपको अमित कुमार यादव को टिकट मिला और 2009 के चुनाव में वो जीते, और उसके बाद 2014 के चुनाव में वो हार गए, लेकिन फिर 2019 में उन्होंने अपनी सीट वापस पा ली, लेकिन तब निर्दलीय थे। इस बार कमल फूल खिला पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, तो काफ़ी दिलचस्प यहाँ की जंग नज़र आने वाली है, क्योंकि अमित यादव अब चुनावी मैदान में BJP के झंडे से हैं, तो अब दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का कैंडिडेट कौन होगा, अभी लिस्ट इसकी आई नहीं है, लेकिन जानकी प्रसाद यादव के नाम की चर्चा है। इसके अलावा JLKM से भी यहाँ कैंडिडेट हैं, तो ऐसे में ये सीट बहुत दिलचस्प होगी। और ये जो सीटें हैं ये आने वाले जब अगले 5 साल के बाद लोकसभा चुनाव होंगे तो वहाँ पर भी क्या असर डालेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पिछली बार देख लें, यहाँ किस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा से लीड ली थी, रंजन जी, जो इस बार हो सकता है विधानसभा चुनाव में जीत हार तय करें? देखिए, अगर आप लोकसभा 2024 की बात कीजिए तो BJP को यहाँ से बड़ी लीड मिली थी, और यहाँ से अन्नपूर्णा देवी जो हैं वो 96,000
876 वोटों से लीड ली थी उन्होंने, इतने वोटों की, तो लगभग 1,00,000 वोटों की लीड थी। और उससे पहले 2019 में भी जो है उनकी लीड यहाँ 1,17,000 वोटों की थी। तो ये जैसा मैंने आपको कहा ना कि 1990 के बाद ये बिल्कुल बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखता है, और तभी आप देखते हैं कि 90 में जीते, 95 में जीते, 2000 में 875 वोट से हार गए बीजेपी के कैंडिडेट, लेकिन फिर 2005 में जीते, फिर 2009 में जीते, 14 छूट गया, लेकिन फिर 2019 में वो निर्दलीय जीते। तो एक तरह से बीजेपी को यहाँ पर जो है लोगों का विश्वास जो है वो मिलता रहा है। और अगर आप देखें 1985 से हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जो है 4 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। सीपीआई 1 बार, भुवनेश्वर मेहता ने खगेंद्र प्रसाद को 2000 में हराया था। जेवीएम पी जो है 1 बार, जब जानकी प्रसाद यादव ने अमित कुमार यादव को हराया था। और निर्दलीय भी 1 बार यहाँ से जीतने में सफल रहे हैं। और जहाँ तक अगर आप बरकट्ठा में जातीय कॉम्बिनेशन की बात कीजिए तो यहाँ शेड्यूल कास्ट जो हैं वो 16.15% हैं और मुस्लिम आबादी 16.6% है। और यहीं पर जो है पिछली बार AIMIM के कैंडिडेट ने जो है अच्छी संख्या में वोट लाए थे, और आप देखिए कि उनका जो वोट था वो 15.84% था। तो AIMIM को जो कुछ जगहों पर पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छे वोट मिले थे उसमें से बरकट्ठा भी एक सीट है। अब देखना ये दिलचस्प है कि क्या इस बार भी AIMIM यहाँ पर कैंडिडेट देता है। अगर वो कैंडिडेट देता है तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, और अगर कुमकुम देवी अच्छे से चुनाव लड़ती हैं तो अमित कुमार यादव के लिए परेशानी बढ़ेगी। तो रास्ता किसी का भी आसान नहीं है, हालांकि अभी कुछ दिन और बचे हैं और प्रत्याशी जब आएंगे तो स्थिति और स्पष्ट होगी। जैसा मैंने आपको बताया कुर्मी 14 से 16%, यादव भी यहाँ पर चूंकि देख रही है कि जीत रहे हैं तो 11.7% यादव हैं। और जो आप ये देखिए राजपूत वोटर्स देखिए तो उनकी भी संख्या अच्छी है, 8.5% के आसपास। ब्राह्मण जो हैं वो अच्छी संख्या में यहाँ पर हैं, और जो एक बनिया कम्युनिटी हम लोग कहते हैं वो भी जो है यहाँ पर अच्छी संख्या में हैं जो कि बीजेपी को वोट करते रहे हैं। तो ये पूरा जातीय समीकरण है बरकट्ठा का। तो एक बार जब अब अमित कुमार यादव के सामने इंडिया गठबंधन किसे खड़ा करता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। संभावना वही है कि जानकी प्रसाद यादव को टिकट मिले, और अगर अमित यादव और जानकी प्रसाद यादव के बीच मुकाबला होता है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये आमने सामने की लड़ाई होती है या जैसा कि यहाँ होता है मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट वैसा ही होता है। अगर मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुआ तब तो बीजेपी को फायदा होगा, आमने सामने की लड़ाई हुई तो कांटे का मुकाबला होगा। चलिए, तो ये बरकट्ठा सीट का स्कैन था कि किस तरह यहाँ पर की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है, और आमने सामने का मुकाबला होगा या बहुगुणीय मुकाबला होगा ये आने वाले दिनों में और पता चलेगा जब और प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे।